आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपने चैनल पे वॉच टाइम कैसे बढ़ा सकते हो। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा देखना, जब भी आपको नॉलेज मिलेगी कि हम अपने चैनल पे वॉच टाइम कैसे बढ़ा सकते हैं। व्हाट्सअप मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब मस्त होंगे। तो गाइज, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपने चैनल पे वॉच टाइम को कैसे गेन कर सकते हो। तो गाइज, वॉच टाइम हमारे चैनल के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें अपने चैनल को मोनिटाइज करना होता है। मोनिटाइज करने के लिए हमें सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और वॉच टाइम चाहिए। तो वॉच टाइम 4000 घंटे चाहिए। तो गाइज, 4000 घंटे वॉच टाइम आप कैसे बना सकते हो अपनी वीडियो के अंदर, मैं आपको आज बताऊंगा। तो कोशिश करो। तो गाइज, आज की वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना, जब भी आपको आज समझ आएगा कि आप अपने चैनल पे वॉच टाइम कैसे बढ़ा सकते हो। तो वीडियो को स्किप मत करना, शॉर्ट में मत देखना, पूरी देखना, समझ आएगा तभी आप सबको। तो कोशिश करो गाइज कि वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना, क्योंकि तभी आप आज की वीडियो में समझ पाओगे कि हम अपने चैनल को मोनिटाइज कैसे कर सकते हैं। तो गाइज, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल को मोनिटाइज करने के लिए वॉच टाइम की नीड होती है। तो 4000 घंटे हमें अपनी वॉच टाइम के लिए चाहिए होते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज, आप अपने चैनल पे जो भी वीडियो बनाते हो एक्स वाई जेड, तो अपनी वीडियो को एटलीस्ट 10 मिनट से अबव बनाओ। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपके लिए। 10 मिनट से अबव बनाओगे तो आपकी वीडियो ज्यादा चलेगी। कोशिश करो उससे ज्यादा बड़ी बड़ी बनाओ, 10 से 20 मिनट के बीच में बनाओ। क्योंकि वॉच टाइम अगर आप 10 मिनट का बनाओगे तो आपकी वीडियो पे 4 मिनट का वॉच टाइम मिनट दिखाएगा, एटलीस्ट 3 का दिखाएगा। 20 का बनाओगे तो 6 मिनट का दिखाएगा। तो कोशिश करो कि वीडियो बड़ी बनाओ, ताकि उसका हाफ टाइम आप लेके चलो आप अपने चैनल के लिए। तो जैसे कि अगर आपको पता है कि 4000 घंटे पूरे करने हैं, तो गाइस 10 20 30 व्यूज से कुछ नहीं काम होगा। तो आपको वॉच टाइम के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपके रिलेटिव से आस पड़ोस में, आपके घर में, आस पास में, लैपटॉप आपके पास है तो और भी अच्छा है, नहीं है तो आपके पास में फोन है, फोन आप अपने रिलेटिव मम्मी पापा ब्रदर सिस्टर सबका फोन लो। नाइट में फोन की नीड किसी को नहीं होती है, किसी किसी को होती है, हालांकि जिसको होती है उसको दे दो, जिसको नहीं होती उसका फोन ले लो। रात में आप अपनी वीडियो को हर फोन में सर्च मार के प्ले करके छोड़ दो, पूरी रात उसको चलने दो। आप सुबह उठोगे, उठने के बाद में आप अपना वॉच टाइम देखना, जरूर आपका वॉच टाइम बढ़ा होगा। आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप की स्क्रीन पे मैं आपको लेके चलता हूँ, देखो। तो दोस्तों, जैसे कि आप अभी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हो, हम लोगों ने कैसे वीडियो को लगा रखी है। अभी थोड़ा सा नेट का इशू है, क्योंकि मैंने वीडियो बनाने के लिए अपने नेट को बंद किया हुआ है। तो गाइस देख ही रहे हो, इस तरीके से हम लोग अपने वॉच टाइम बढ़ा सकते हैं अपनी वीडियो को, इस तरीके से अपने लैपटॉप पे। लैपटॉप होने का प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि हम लोग अपने टैब को ओपन कर सकते हैं इजीली शॉर्ट में। तो हम लोग अपने वॉच टाइम को इस तरीके से भी बढ़ा सकते हैं, देख लो, मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपने अभी लैपटॉप की स्क्रीन पे भी देख ही लिया मैं किस तरीके से अपना वॉच टाइम गेन करता हूँ। वॉच टाइम मेरा तो चल रहा है, एटलीस्ट आपके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको 4000 घंटे वीडियो के लिए चाहिए अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। तो गाइज, 4000 घंटे वीडियो पूरी करने के लिए आपको अपनी वीडियो को इस तरीके से ही प्ले करना है, जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया। तो आपके चैनल पे वॉच टाइम जरूर मिलेगा, खुद से टाइम लगाओ, खुद खुद से आप मेहनत करो, तभी आपको 4000 घंटे मिलेगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद में 2 घंटे आपने काम कर लिया, ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे अपने आपको भी रेस्ट दे लो, लैपटॉप को, फोन को, उसको भी रेस्ट दे लो। उसके बाद में आप दोबारा लग जाओ, 2 घंटे 1 घंटा जितना टाइम आपके पास हो, आप 8 जगह वीडियो प्ले करके छोड़ोगे। 10 मिनट की वीडियो है, आप 60 मिनट का एक 1 आवर बनता है, तो 10 मिनट की वीडियो में 60 आवर्स में आप उसको 6 बारी प्ले करोगे। 6 बारी प्ले करने के लिए 8 जगह आपने वीडियो लगाई हुई है, 10 मिनट की एक वीडियो चल रही है, तो 8 जगह कितना हो गया, 1 घंटा 20 मिनट। आपने उसको 6 बारी प्ले किया, तो 6 बारी प्ले में कितना हो गया ये? तो गाइस, इसमें आपको 8 घंटा मिला। 8 घंटा मिलने के बाद में आपने क्या करना है, सेम ऐसे ही अपनी वीडियो को प्ले करके छोड़ देना है। तो सोचो, आप 2 2 घंटे में 8 8 घंटे बढ़ा रहे हो, 2 घंटे में 8 घंटे बढ़ रहे हैं। 4 घंटे काम करोगे, 16 घंटे बढ़ गए।
6 घंटे काम करोगे तो 32 घंटे बढ़ गए, तो दिन के आप 40 से 50 घंटे ऐसे निकाल सकते हो अपनी वीडियो को, आपका चैनल मोनेटाइजेशन पे भी जरूर जाएगा। बट कोशिश करना कि आप उसको सर्च करके प्ले करो, डायरेक्टली ओपन मत करना, कहीं लिंक शेयर कर दो और उसे ओपन कर दो, या अपनी वीडियो के चैनल पे जाके वहां से प्ले कर दो और छोड़ दो, ऐसे मत करना। वीडियो को सर्च करना प्रॉपरली, यूट्यूब पे जाके जिस भी नाम से आपकी वीडियो है उस नाम से सर्च करना, उसके बाद में उसको प्ले करना, आपको वॉच टाइम जरूर मिलेगा। इससे क्या होगा, आपकी वीडियो सर्च पॉइंट में भी आ जाएगी और चैनल पे व्यूज भी मिलेगा, प्लस में आपका वॉच टाइम भी गेन होगा। तो गाइस, जिस फोन में आपकी ईमेल आईडी खुली है या जिस फोन में आपका लैपटॉप खुला हुआ है अपने चैनल का, उस फोन में या उस लैपटॉप में आप अपनी वीडियो को मत प्ले करना खुद की ईमेल आईडी या खुद के चैनल से, इसमें आपको ये प्रॉब्लम होगी। तो गाइस देखो, कहीं पे एडवांटेज मिलता है तो कहीं पे डिसएडवांटेज भी मिलता है। तो इसके लिए क्या करना है ना, देखो सबसे पहले आपको नॉलेज लेनी है, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ आपको वॉच टाइम कैसे बढ़ाना है। मैं आपको सिंपल सिंपल ट्रिक ट्रिक इस टाइम पे बता रहा हूँ ताकि आप अपने चैनल पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन ला सको और आपको कोई पैसा भी ना लगे। मोस्टली आपने देखा होगा अपने चैनल के लिए आप चैनल पे सब्सक्राइबर गेन कराने के लिए कहीं पे भी फीस दे देते हो, चार्ज दे देते हो। यूट्यूब पे आपको कई सारी इससे रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाएगी जो कि आपके एक टाइम पे आपके चैनल को मोनेटाइज करा सकते हैं, वो उस टाइम आपको दिखा सकते हैं, आपके सब्सक्राइबर भी दिखा सकते हैं। बट यूट्यूब आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा एडवांटेज पे है, बहुत ज़्यादा नॉलेजबल पर्सन है क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड को चला रहा है। तो गाइस देख रहे हो आप, वो क्या करेगा, आपका जब मोनेटाइजेशन के लिए जाएगा, जब आपका रियल में वॉच टाइम देखा जाएगा कितने घंटे आपकी प्ले हुई है, किस किस डिवाइस में हुई है, कैसे कैसे हुई है, तो गाइस वहां से आपका वॉच टाइम घट के बराबर उतने भी आ जाएगा जितने पे आपने दिया होगा, तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए भी रुक जाएगा, आपको प्रॉब्लम भी होगी, आपकी फीस भी जाएगी। वो एक टाइम पे तो आपसे फीस ले लेंगे पर दूसरे टाइम पे आपका फोन उठाना बंद कर देंगे, आपको रिस्पॉन्स देना बंद कर देंगे, आपका चैनल मोनेटाइजेशन पे रुक जाएगा, आपका चैनल डीएक्टिवेट भी हो सकता है। तो देखो रियल में जीरो इन्वेस्टमेंट है जो मैं आपको इस टाइम पे बता रहा हूँ, कोई पैसा नहीं लगना, कोई फीस नहीं लगनी, आपकी सिर्फ और सिर्फ मेहनत लगनी है। आप अपनी मेहनत से मत घबराओ। देखो गाइस, कहीं पे भी अगर आप कुछ भी काम करोगे ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पे आप अपने टाइम को इन्वेस्ट करो, अपने पैसे को ना कि इन्वेस्ट करके आप अपने टाइम को वेस्ट करो। टाइम इन्वेस्ट करोगे इसमें आप ही का बेनिफिट है, आपका पैसा भी बचेगा, प्लस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनेगी कि मुझे ये काम करना है। आज टास्क लेके चलोगे तो कल को वही टास्क आपके काम आएगा। तो आज की वीडियो अगर आपको नॉलेजबल लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और एक लाइक जरूर करना। ऐसी मज़ेदार वीडियोस नॉलेजबल वाली लेकर आता रहूँगा मैं अपने चैनल पे। हमारा एक ये ब्लॉगिंग चैनल है, हम अपनी इंक्वायरीज भी आपको बताते हैं, यूट्यूब से रिलेटेड भी आपको चीज़ें बताते हैं, अपनी ब्लॉगिंग भी दिखाते हैं, हम पर्सनल ब्लॉगिंग भी करते हैं हस्बैंड वाइफ की। तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और चैनल पे एक लाइक तो जरूर बनता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करना गाइस, कमेंट में जरूर बताना और ऐसी वीडियो को प्यार देते रहना। मिलते हैं ऐसी अपनी अगली वीडियो में। Subscribe to my channel for more videos.